मथुरा के थाना वृंदावन कोतवाली पुलिस ने फर्जी डीआईजी बनकर पुलिस अधिकारियों के रस्व कायम करने के लिए गलत लहजे में बात करना एवं होटल में रुकने के लिए रूम उपलब्ध कराने के लिए डीआईजी बनकर लोगों को हड़काने के आरोपी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए व्यक्ति अभिजीत हाल निवासी गुड़गांव का रहने वाला है। नववर्ष के अवसर पर वृंदावन घूमने के दौरान उसने होटल में स्वयं को इंटेलिजेंस का डीआईजी बताकर दिल्ली में बात करने के मामले की गहन छानबीन के बाद पुलिस ने फर्जी डीआईजी बने आरोपी अभिजीत को गिरफ्तार किया है। वह हाल निवासी गुड़गांव का है, वहीं मूल रूप निवासी कोलकाता का है। पकड़े गए आरोपी का कहना है कि उसने स्वयं को डीआईजी आईबी बताकर लोगों को गुमराह किया था। पुलिस का कहना है कि नववर्ष के अवसर पर अपराधियों पर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस ने फर्जी डीआईजी आईबी बने आरोपी अभिजीत को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दिनांक 31/12/21 को एक व्यक्ति जिसका नाम अभिजीत कर है, जो कोलकाता पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, ये इस्कान मंदिर में आकर वहां पर दबाव बनाकर रुकने के लिए कमरे के लिए और उच्चाधिकारी गण एसपी ट्रैफिक एसपी क्राइम को फ़ोन करके दबाव बनाना और धमकी देना कि ट्रांसफ़र करा देंगे और उनके खिलाफ रिपोर्ट भेज देंगे। खुद को अभिजीत कर डीआईजी आईबी का अपने को बताते थे। बातचीत के लहजे से और संदेह होने पर इसकी जांच कराई गई। जांच करा कर ये पाया गया कि ये फर्जी आईबी के डीआईजी अपने को बता रहे हैं। इस संबंध में चौकी इंचार्ज रमन रेती द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया और आज इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अभिजीत कर की उम्र करीब 39 साल है, जो अपने को डीआईजी आईबी बता रहे थे और उनकी जांच में उनका सारा जो बता रहे थे झूठा पाया गया और इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया।